कि मैं गाय बकरियां चराने से घृणा करता हूँ अथवा उसे निकृष्ट कृत समझता हूँ, पर मेरा मन कहीं और रमा है। मैं गाय बकरियों को मार्ग नहीं दिखाना चाहता। तो क्या तुम मगध को मार्ग दिखाएगा? मातुल, मैं तुम्हारी अवहेला नहीं करना चाहता। इस बार नियति ने एक मार्ग दिखाया है मुझे। यदि इस बार मैं मार्ग से भटक गया, यदि इस बार मैं धैर्य से विचलित हो गया, तो भविष्य में मेरे भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है। उसे अपना मार्ग स्वयं चुनने दो भैया, उसे जाने दो। तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो? किस मार्ग को चुना है चंद्रगुप्त ने? तक्षशिला जा रहा हूँ। क्यों? शिक्षा ग्रहण करने। मेरे आचार्य तक्षशिला निवासी है, उन्होंने ही मेरा उपनयन संस्कार किया है। किस पागल ने इसका यज्ञोपवीत संस्कार किया है? अपने भाग्य को छुटलाने का प्रयास मत कर, गाय बकरियां चराने में ही तेरा जीवन बीतेगा चंद्रगुप्त। अर्थात तक्षशिला जाने की मूर्खता छोड़ दे और गाय बकरियां चलाने जा। मेरा निश्चय अटल है मातुल। तुमने इसे आज्ञा दे दी है? मैं इसका जीवन अभिशप्त नहीं देखना चाहती। तो क्या मैं अभिशाप हूँ चंद्रगुप्त के जीवन पर? तुम्हारे इस मौन का क्या अर्थ है सौदामिनी? मेरी विवशता है उसके लिए अभिशाप है भैया। कैसी कैसी विवशता है? क्या तुम्हें और चंद्रगुप्त को इस घर में अन्न और वस्त्र नहीं मिलता? क्या यहाँ तुम सुखी नहीं हो? क्या चंद्रगुप्त के भांति तुम भी सपने देख रही हो? सत्य को समझने का प्रयास करो सौदामिनी। न जाने वो कौन ब्राह्मण है जो इसे तक्षशिला ले जा रहा है। चंद्रगुप्त यहाँ पे गाय बकरियां चराता है, वहां चंद्रगुप्त को दास बनाकर रख दिया तो न जाने क्या स्वार्थ है उस ब्राह्मण का। मातुल, वो ऐसा नहीं है भैया। तो तुम भी इससे मिल चुकी हो, ठीक है? अगर ये तक्षशिला जाना चाहता है तो जाए, पर इसके पालन पोषण पर मैंने जो आज तक खर्च किया है वो उस ब्राह्मण को चुकाने को कहो। फिर ये जहां जाना चाहता है जाए, और कान खोल कर सुन लेना, 500 काशापणों से एक काशापण भी कम न लूंगा मैं। रब के संबंधों को भी बेचा जा सकता है भैया। स्वार्थ सारे संबंधों को तोड़ता है। ये अपने स्वार्थ के लिए तक्षशिला जाना चाहता है तो मैं मेरा स्वार्थ क्यों न सिद्ध करूं? पर आचार्य, इतने काशापण कहाँ से लाएंगे? एक दास इससे कम मूल्य में भी तो नहीं मिलता। स्वागत है आचार्य। चंद्रगुप्त के मातुल है ना आप? सौभाग्यशाली आप, जो निधि आज तक आपके हाथों में थी। मैं जान सकता हूँ कौन है आप? तक्षशिला के गुरुकुल का एक आचार्य। आप इसे तक्षशिला क्यों ले जाना चाहते हैं? सब कुछ आज ही जान लेना चाहोगे? कुछ भविष्य के लिए, कुछ समय के लिए भी तो छोड़ दो। समय तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा मातुल। समय की प्रतीक्षा मैं नहीं करता आचार्य। आप इसे तक्षशिला ले जाना चाहते हैं ले जाइए, पर 5,000 कार्शापणों से एक कार्शापण कम न लूंगा मैं। 5,000 कार्शापण? सांप सुन गया। तक्षशिला में इससे कम मूल्य पर दास तो मिलेंगे नहीं। क्यों, दे सकोगे इसका मूल्य? इसका मूल्य तो पूरा मगध भी नहीं आ सकता, पर तुम्हें तुम्हारा मूल्य मिल जाएगा। निश्चिंत रहो, तुम्हें तुम्हारा मूल्य चुकाए बिना मैं पाटलिपुत्र से प्रस्थान नहीं करूंगा।
आचार्य, मैं निर्दोष हूं आचार्य। मुझे तक्षशिला ले जाएंगे ना? मैं तुम्हें भाग्य के हाथों छोड़कर जाने वाला नहीं चंद्रगुप्त, मेरा निश्चय अटल है। पर 5000 काशापण कहां से आएंगे आचार्य? 5000 काशापणों के लिए मैं चिंतित नहीं हूं चंद्रगुप्त। चिंतित इसलिए हूं कि जिस ज्ञान की मैं वर्षों से उपासना करते आया हूं, आज उसका मूल्य आंका जाएगा। पर यदि नियति ने मुझे स्वरूप में चुनौती दी है तो भी मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह लो चंद्रगुप्त, जहां ज्ञान की उपासना होती है वहां तुम्हें इसका मूल्य मिल जाएगा। इस पुस्तक में क्या लिखा है आचार्य? अर्थशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के दुर्लभ सूत्रों का संकलन करना मेरे कुल की परंपरा रही है चंद्रगुप्त। मेरे पिता ने भी उस परंपरा का निर्वाह किया था और विरासत में दुर्लभ थाती वे मेरे हाथों सौंप गए थे। किसी भी राजनीतिज्ञ अथवा पाटलिपुत्र में अर्थशास्त्र की शिक्षा देने वाले किसी भी गुरुकुल में तुम्हें इसका मूल्य मिल जाएगा। आप मेरे लिए अपने कुल की परंपरा तोड़ देंगे आचार्य? जो नई परंपराओं के निर्माण का सामर्थ्य रखते हैं, पुरानी परंपराएं उन्हें स्वयं मार्ग दे देती हैं चंद्रगुप्त। और परंपरा ही तो आज मेरा आधार है, मेरा साधन है, जो मुझे मार्ग दिखा रही है। क्या 5000 कारशापन प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है? मैं अपने कुल की परंपरा का विस्तार ही कर रहा हूँ चंद्रगुप्त। आज उस परंपरा से एक और व्यक्ति जुड़ेगा। मैं ज्ञान की अभिवृद्धि ही कर रहा हूँ, उसे बेच नहीं रहा हूँ। अतः निश्चिंत मन से जाओ, आज तुम्हारी परीक्षा है। महाश्च मे विश्वं च मे महाश्च मे क्रीडा च मे।